तो कैसे हो आप सब लोग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो टुडेज टॉपिक इज जीना, प्लेटफॉर्म जीना, सिंपल जीना। ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा किस तरीके से हम नाप लेते हैं और किस तरीके से ये बनता है। तो बात करी जाए इस जीने की, तो एक तो सीधा जीना होता है, एक प्लेटफॉर्म जीना होता है। सीधे जीने की वीडियो मैंने दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेटफॉर्म जीने की भी वीडियो दे रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो, ऐसे कर करके तो आप समझ जाओगे। बाकी फोटो तो मैंने लगाई दी है और वैसे भी समझ गए हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर की कुछ ऐसे होगी, ठीक है, ये तो बिल बुक है मेरी, तो स्ट्रक्चर ऐसा है मेरा, मतलब इतनी जगह और इतनी जगह ही है हमारे पास। अब जीना यहां से चढ़ना है, देखो यहां से चढ़ना है, अब ये तो चढ़ नहीं पाएगा। अब आपको दिखाता हूं मैं कॉपी में, आप इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। तो मैं अपनी कॉपी के साथ आ गया हूं, तो यहां बात करते हैं, ठीक है। अरे टैंक गई। अब मान लेते हैं हमारे पास जो लेंटर की हाइट है हमारी, ठीक है, लेंटर की हाइट है हमारे पास यहाँ 12 फिट, ठीक है, और यहां से यहाँ की टोटल जो हाइट है हमारे पास, वो हमारे पास समथिंग है 7.5 फिट मान लेते हैं, एक अनुमान दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो मेरे कस्टमर की साइट थी, वहीं से मैंने बता रखा है। तो ये 7.5 फिट की जगह है, ये 12 फिट का ये हाइट है, ये है हमारे पास लेंटर की हाइट, ठीक है, हाइट, ओके। और ये जो जगह है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल 11 फिट की जगह है, ओके, 11 फिट, 7.5 फिट एंड 12 फिट। अब आप ये लोग बताओ मुझे, अगर जीना यहां से चढ़ाना है हमें, सीधा सीधा जीना है, ये तो दीवार है, ये बाउंड्री दीवार है, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा रहा हूँ, हो सके तो मैं एक वीडियो भी दिखा दूंगा अगर हो जाएगा तो। और ये बाउंड्री दीवार है, ओके, यहाँ पर हमारा लेंटर है पूरा, इस तरफ ये 12 फीट का लेंटर की हाइट है। अब आप ये देखो इसमें कि अगर हम ये जीना यहाँ से चढ़ाते हैं तो जो राइजर बनता है स्टेप्स के बीच में, जो राइजर होगा, ये वाला राइजर होगा जो, वो हमारे पास बहुत ज्यादा का राइजर होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला राइजर जो स्टेप्स चढ़ने के लिए होता है। अब ये राइजर हमें कम लेना है तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म वाला जीना बनेगा, क्योंकि सीधा सीधा जीना तो बन सकता है, बट ये सीधा सीधा यहाँ बन नहीं पाएगा, तो यहाँ प्लेटफॉर्म वाला जीना। अब प्लेटफॉर्म वाले का जीना का मतलब ये है कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म आएगा, अब हमें इस प्लेटफॉर्म की हाइट चाहिए। कस्टमर से आप पूछो कि ये आपको कितना चाहिए, 2 फिट, 3 फिट या 4 फिट, तो मिनिमम ले लेते हैं 3 फिट, ठीक है, 3 फिट की ये जगह होगी, 3 फिट की ये जगह होगी। इसका मतलब यहाँ कितना बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा 3.5 फिट ओनली। अब आपको एक हाइपोटेन्यूज थ्योरम पता होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट है इसका, ठीक है, तो ऐसे करके कर लेते हैं। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका यहाँ जितनी है उतना ये भी होना चाहिए, उतना ही यहाँ पर आएगा, प्लस अंडर रूट करोगे तो ये समथिंग आपको 5 फिट का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 3.5 फिट की आपकी हाइट है, ओके, 12 फिट माइनस 3.5 फिट अगर आप करोगे तो ये 8.5 फिट के आपका वो बचा, ये 8.5 फिट आपका ये आ गया हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। इस 8.5 को आप 8 ही फिट करो, अब बाकी 8 फिट ये है, 8 फिट ये है जगह। अब देखना 11 फिट माइनस 3 फिट करेंगे तो हमारे पास कितनी जगह बचेगी, 8 फिट बचेगी, करेक्ट, ओके, यहां से हमारा प्लेटफॉर्म एक भी बन जाएगा जीना, जो कि वीडियो में दिखा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आप भी ऐसे ही कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए। बाय बाय। बिहाइंड द सीन। तो वीडियो देख के अगर मजा आया तो लाइक करिए, जो कि मैंने पहले ही बताया था। और अगर ये आपको समझ आया है, और अगर समझ नहीं आया है कि प्लेटफॉर्म वाली जीने की नाप कैसे लेते हैं, वो मैं बता दूंगा, अरे पीछे मेरे बैकग्राउंड में, तो मैं बता दूंगा आपको, ओके, ठीक है। तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, बाकी जो मैंने बताया है सीधे सीधे की तो बड़ी सिंपल होती है, जैसे यहाँ अगर आपके जो ये लेंटर की हाइट है, ठीक है, ये लेंटर की हाइट है, तो यहाँ से ऐसे हाइपोटेन्यूज आ जाता है सीधे सीधे, वही थ्योरम। बाय बाय।